सो ही गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फिर से देखिए एक नया प्रैक्टिस सेट फिजिक्स का आपके लिए लेके आया हूँ। और देखिए यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस पे हैं। वीडियो जैसा लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे आस्क करूँगा, उनके आंसर्स आपको देना है। और मोस्टली मैं प्रीवियस वीडियोज़ पर देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छे खासे कैंडिडेट्स हैं, जैसे एक MD समसात करके हैं, वो भाई काफ़ी अच्छा खासा हर एक क्वेश्चन पर अच्छा रिप्लाई देते हैं। मतलब उनसे जो क्वेश्चन आस्क करता हूँ मैं देखता हूँ, मोस्टली वो रिप्लाई करते हैं। उसके बाद एक करके हैं जगस राज करके हैं, वो भी अच्छा करते हैं। अंकित पाटिल करके हैं, वो भी हमेशा अच्छा रिप्लाई देते हैं। मतलब इन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, मतलब पढ़ता तो सभी का हूँ, बट उनसे जो क्वेश्चन आज करता हूँ तो रिप्लाई मतलब राइट करते हैं। ठीक है, सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो कैसा लगा देखिए, यहाँ पे मैंने आंसर्स वैसे PDF पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब PDF का क्या फंड है, देखिए PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, बट वहाँ से कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो देखिए जिससे हो जाए वो कर लेना, जिससे नहीं हो रहा है कुछ मत करना, सिंपल सा टेलीग्राम चैनल पर जाना। आपको नहीं पता कुछ नहीं करना, सर्च नहीं करना, आपको आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जाना है, ऑनलाइन एजुकेशन लिखना है और मेरा चैनल आ जाएगा। उधर अभी 400 मतलब यूजर्स हैं, आप भी उनमें से कंक्लूड हो सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मौलिक राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, वॉल्यूम, वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स, कौन सी है भाई। देखिए भौतिक राशियाँ यहाँ पे कौन कौन सी होती है, समय होता है, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति होता का कैंडेला। ठीक है, तो यही पे आपका पूछा था। तो यहाँ पे देखिए समय का सेकेंड होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा, समय। अदरवाइज यहाँ पे मौलिक राशियाँ इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा आपका सी पार्ट। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट गाइज यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कि एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज के 30 अंश कोण बनाते हुए फेंकी जाती है, गेंद की उड़ान का समय ज्ञात कीजिए। गेंद के जो उड़ान में समय लगा वो ज्ञात कीजिए। यहाँ पे गाइस आपको राइट आंसर बताना था, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक टाइम पूछ रहा है और टी इक्वल टू आप सभी ने पढ़ा होगा 2u sin θ / g, बेसिकली आप सभी ने फार्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए टाइम आपसे पूछ रहा है, ठीक है, और उसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना दिया हुआ है, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना दिया हुआ है 30 और जी की वैल्यू है 10। तो रख के वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, 2 और यू, तो यू कितना है 15, 2u sin θ, साइन 30 1/2 हो जाएगा, अपान जी मतलब कि गाइस 10। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल, अपना कितना आ गया 15/10, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 = 15 अपान 5 2 = मतलब 3/2, तो 3/2 यहाँ पे कोई डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे देखिए 1.5 सेकेंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड नंबर। भाई मैं पॉज करके जानबूझ के चलूँगा कि जिसके कि आपको इसका आंसर कमेंट करना पड़े, उसके बाद बताएंगे आप। पहले कमेंट करिए कि इसका बीमा क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा। यहाँ पे इंपल्स का पूछ रहा है, इंपल्स का जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होगा, मोमेंटम के, फोर्स के, टॉर्क के, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, समय में परिवर्तन की दर के। तो गाइस सिंपल सा है, आवेग का जो डायमेंशन होता है मतलब इंपल्स का, वो मोमेंटम के इक्वल होता है। अब इसका डायमेंशन देखिए, यहाँ पे मोमेंटम का फार्मूला आपको पता होगा, P = mv होता है, m की mv, ठीक है, और v मतलब वेलोसिटी, lt-1 होती है हमेशा, और m होता है me, तो mlt-1 आपका संवेग का डायमेंशन होता है, वही आपका आवेग का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 का हो जाएगा आपका ए पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, और गाइस इसका कमेंट कीजिए भाई। देखिए मैं यूट्यूब प्रीमियम पे अभी वीडियो चला रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले सारे कैंडिडेट्स अपना कमेंट कर सकते हैं कि बताएंगे कि मेरा इतना राइट आंसर होगा, तो नंबर डाल के कमेंट करते चलिए कि मेरा इतना होगा। ठीक है, तो यदि एक सार्व आधारित प्रबंधक में संग्राही आधारित बैटरी है, संग्राही परिपथ में धाराएं, संग्राही परिपथ में जोड़ा हुआ प्रतिरोध है, और संग्राही और आधार की 4 वोल्टता है, ठीक है, तो क्या होगा, VCB = VCC + ICRL, और VCB = VCC - ICRL। सो गाइस देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ए पार्ट होगा, 4 का, VCB = VCC + ICRL। सो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, 4, 5 नंबर। अब देखिए 5 नंबर, सार्वत्रिक गैस नेतांक की SI इकाई क्या है, मीन्स द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, इसकी बताना है। तो गाइस सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसमें तो कुछ बताने वाला है नहीं, इसमें अगर आपको पता है कि जूल प्रति केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो आपको तुरंत आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, गलत कर देंगे आप क्वेश्चन को, आप पे
मतलब स्किप कर देंगे, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन का भाई आपको एग्जाम पे आंसर करना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए। तो जूल ये आपका 5 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर सी। ओके सो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पतली और असीमित समांतर पट्टिकाओं पर समान डेंसिटी के प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा आवेश हैं। ओके और यहाँ पे अंतरिक्ष में उनके मध्य का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अंतरिक्ष में उनके मध्य का विद्युत क्षेत्र क्या होगा। गाइस सिंपल सा है, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा सिग्मा अपान एप्साइलन जीरो, सिग्मा अपान एप्साइलन जीरो, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले अगर चैप्टर्स आपने पढ़े हैं मैथमेटिक्स सॉरी फिजिक्स पे, तो बेसिकली आप इसका देखते ही आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ए फोर्स ऑफ 70 न्यूटन गिव्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ अननोन मास एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द मास ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट इज। यहाँ पे गाइस वस्तु का द्रव्यमान पूछा है, सिंपल से देखिए यहाँ पर इतना न्यूटन दिया हुआ है, 70 न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का, ठीक है, और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो देखिए एफ इक्वल टू एम ए आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे मास पूछ रहा है, एफ की वैल्यू अपने पास है कितना 70, तो 70 अपॉन कितना हो जाएगा 20, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 70 अपॉन 20, 2 से ये कैंसिल और 2 3 जा इधर हो जाएगा 3 और 0.5, ठीक है, तो 3.5 कहाँ पे डी पार्ट 70 सॉरी यहाँ पे सी पार्ट, तो 7 का आपका सी पार्ट। नेक्स्ट है, जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है, जो जेनर डायोड है गाइस 8 नंबर पे उसका यूज किया जाता है, जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर एन एम्पलीफायर एन रेक्टिफायर एन ऑक्सीलेटर ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो गाइस जो जेनर डायोड का यूज किया जाता है वो एक वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज किया जाता है, तो 8 का राइट आंसर आपका डी पार्ट। नेक्स्ट, 50 मोड़ों के कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स इतने वीबर प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है, ठीक है, कुंडली के सिरों पर मध्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा। सिंपल सा फार्मूला अगर आपको पता है आप बेसिकली देखते ही आंसर कर पाएंगे। हाँ तो यहाँ पे क्वेश्चन का फार्मूला क्या होता है, विद्युत वाहक बल ई हम लिख देते हैं सीधा, ठीक है, ई इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये पूरा दिया हुआ 0.05 वेबर प्रति सेकेंड, क्या कह रहा है वेबर प्रति सेकेंड, तो प्रति सेकेंड डेल्टा टी, डेल्टा फाई इंटू डेल्टा टी, और कहना 50 पेड़ों की 50 मोड़ों की तो इंटू एन, ठीक है एन। अब गाइस इसमें जाके अपने दोनों वैल्यू दी हुई हैं आपके सामने, डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी दिया हुआ 0.05 इंटू 50। अब देखिए सिंपल सा यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे डबल जीरो इन बढ़ जाएगा, ये जीरो से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऊपर कितना हो जाएगा गाइस। अब गाइस देखिए यहाँ पे तो 50 इंटू 5 अपन नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा आपका टोटल, फिर से चलो लिख लेते हैं, हाँ तो देखिए क्या होगा यहाँ पे 0.05 इंटू 50 अपान, अब देखिए ये हटाया ये 100 हो गया, उसके बाद एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 बटे 10 कितना आ जाएगा 2.5, कहाँ पे है 2.5 आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, 10 नंबर कि एक टेलीस्कोप के अवदर्शक की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है, 20 का आवर्धन पाने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए। आप सभी ने फार्मूला पढ़ा होगा एम इक्वल टू वी बाई एफ वी बाई यू, तो गाइस देखिए 60 बाई 23 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर पे। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी व्युत्पन्न इकाई, यहाँ पे कौन सा बताना है व्युत्पन्न इकाई, तो देखिए आपको पता होगा व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न इकाई, तो यहाँ पे बताना है द्रव्यमान लंबाई एंड समय, ये व्युत्पन्न इकाई नहीं है गाइस, आपका वेलोसिटी है जो, ये आपका व्युत्पन्न इकाई है, ये मौलिक राशियाँ हैं तीनों के तीनों, कैसी राशियाँ हैं मौलिक राशियाँ हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि परमाणु बम के सिद्धांत आधारित है, जो परमाणु बम का सिद्धांत है वो किस पर डिपेंड करता है ये बताना है, तो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर ट्रांजिशन या फिर रेडियो इमिशन। तो कहे जो परमाणु बम एटॉमिक बम होता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन पर डिपेंड करता है, किस पे, नाभिकीय विखंडन पे। नेक्स्ट, एक भारी रबर के गुब्बारे में 100 ग्राम जल है, जल में उसका वजन होगा कितना होगा, 50 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम या फिर जीरो। तो गाइस जो उसका जल में वेट होगा वो हो जाएगा कितना, आई थिंक आप देखते बता पाओगे, इसका वेट हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट है 14 नंबर कि यदि द्रव्यमान पर का है, हाँ देखते चलो आंसर आप सभी ने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे शो होके आ गया है, तो अब नेक्स्ट बताना है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे नेक्स्ट द्रव्यमान पर कार्य करता है, बल त्वरण उत्पन्न करता है, न्यूटन के गति के दूसरे सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे बताइए, तो फार्मूला एफ इक्वल टू एम ए होता है न्यूटन का द्वितीय नियम, आई थिंक आप सभी को पता होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका द्वितीय फार्मूला 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट है, तीन संधारित मतलब द थ्री कैपेसिटर्स व्हिच कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड।
आर कनेक्टेड इन अ सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो ये आपको बताना। देखिए संधारित्र हैं, धारिता में जुड़े हुए हैं, तो कहीं सिंपल सा संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसमें से जाके आपको वैल्यू पुट कर देना। देखिए C1 1 माइक्रोफेरेड, C2 2 माइक्रोफेरेड और C3 1/6, तो जाके वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/C बराबर 1 माइक्रो प्लस 1/2 प्लस 1/6, चलो 6 के इक्वल में सभी को कर लेते हैं, तो इधर 3 से, इधर 3 से और इधर सीधा 6 से गुणा, नीचे 6 एलसीएम हो गया, ऊपर आ जाएगा 6 और प्लस 3 और प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 हो गया, इधर हो गया 10, मतलब 4 और प्लस 6 मतलब 10/6, तो 10/6 को हम कैंसिल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5/3। और गाइस 5/3 आया 1/C1 के इक्वल, अगर हम C के इक्वल, अगर हम C निकालेंगे तो 3/5 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3/5 माइक्रोफेरेड। 15 का आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी पार्ट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं गाइस 16 का आंसर करिए कि द अल्टरनेटिंग करंट इन LCR सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन, जो अल्टरनेटिव करंट LCR सर्किट में होता है कब मैक्सिमम होता है, वो होता है XL बराबर XC के, ठीक है, XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर होता है 1/ωC, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी पार्ट, XL बराबर XC के। नेक्स्ट है कॉर्नट इंजन की क्षमता जो ज्वल के कथनांक तथा गलनांक के मध्य काम कर रहा होगा, ठीक है, तो वो कितनी होती है, वो होती है 26.8%। नेक्स्ट है रेलवे पटरियां मोड़ों पर झुकी होती हैं ताकि रेलवे ट्रैक्स आर ब्रेंट ऑन कर्व्स सो दैट, बताइए रीजन क्या है, यहाँ पे डी ऑप्शन निकाल देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये आ गई, नो फ्रिक्शनल फोर्स मे बी प्रोड्यूस्ड बिटवीन द ट्रैक्स एंड व्हील्स और द ट्रेन मे नॉट फॉल डाउन इनवर्ड और पटरी के कारण समान प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सके। तो गाइस बिल्कुल सही है, उसको मतलब जब लग अच्छा सा अभिकेंद्र बल नहीं मिल जाएगा अंदर की ओर तब लग वो उसका यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 18 का जो होगा वो हो जाएगा आपका सी अपर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, दूर संचार में प्रयोग लाई जाने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो वो होती हैं आपकी माइक्रोवेव्स, मतलब कि सूक्ष्म तरंगों का यूज किया जाता है, तो 19 का ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर, 60 किलोग्राम वजन का एक बालक जो कि इतने मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है का संवेग होगा, मोमेंटम यहाँ से पूछ रहा है और ये पी बराबर m×v आपका फार्मूला होता है, सिंपल सा पता होगा, पी यहाँ पे दिया हुआ 60 और m दिया हुआ, अच्छा m दिया हुआ है 60 और p दिया हुआ है यहाँ पे m दिया, अच्छा v दिया हुआ है यहाँ पे 10 एंड m दिया हुआ है 60, तो 60×10 कितना हो जाएगा 600, राइट आंसर आपका b 20 का। नेक्स्ट चलो देखते हैं, नेक्स्ट नंबर, जब एक वायुयान लूप बना रहा होता है तो चालक गिरता नहीं है क्योंकि उसका वजन आवश्यक प्रदान करता है, 21 का राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है, 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 21 का जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है केंद्र की ओर बल लगता है, ठीक है, इस तरह से केंद्र की ओर, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की ओर लगता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा बी पार्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट, 70 ग्राम की द्रव्यमान की गोष्ठ इतने न्यूटन का शुद्ध बल कार्य करता है, स्थिर अवस्था में त्वरण होगा, सिंपल है, एफ बराबर एम एस, इसे भी कर लेना है, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला, यब की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे यब 350 है और 70 ये है, तो काट देंगे 0 से 0, 7 5 से 5 आ जाए, 5 आ रहा है तो 5 न्यूटन आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि के दो स्रोत अनुनाद में हैं तब होते हैं, कब होते हैं, जब वे एक जैसे लगते हैं, जब वे समान आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जब वे एक दूसरे की विशेष दूरी स्थित, विशेष दूरी पर स्थित होते हैं, जब वे एक स्रोत द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर करना है। तो गाइस दे प्रोड्यूस साउंड ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी, जब वे एक समान आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करते हैं तभी इसका राइट आंसर मतलब हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण घटता है, तो पृथ्वी के तल में नीचे जाने पर या बढ़ेगा घटेगा, या फिर जैसे ऊपर जाएंगे तो गैस क्या होगा बढ़ेगा, नीचे जाएंगे क्या होगा सिंपल है घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल पर ओजोन की परत, ठीक है, सूर्य से परावर्तनीय किरणों को बचाएगा, सही है गैस, हम लोगों की जो रक्षा करता है ओजोन लेयर, ठीक है, ऊपर से जो मतलब अल्ट्रावायलेट वेव्स आती हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे ओजोन परत रोक लेता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 25 का सी अप पार्ट, कि सूर्य से परावर्तनीय किरणों को बचाएगा। ओके तो गाइस यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चंस थे, मैंने पूरे के पूरे 25 करा दिए, कैसे लगे क्वेश्चंस, बोथ लैंग्वेजेस पे थे, हिंदी एंड इंग्लिश, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से आपको टेलीग्राम पे आ जाना है, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उधर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, कोई डाउट हो तो आस्क कर लेना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।